ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। 2 जुलाई को हुए हाथरस हादसे के बाद साकार हरी ने एपी सिंह को अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया। 4 जुलाई को अधिवक्ता एपी सिंह अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने घायलों से जानकारी ली। एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जो हादसे के बारे में बताना चाहते हैं वो हमें या एसआईटी को दे, उनकी पहचान को खोला नहीं जाएगा, मामले में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बाबा के सामने न आने पर उन्होंने कहा कि वो कभी भागेंगे नहीं, अपना वेश नहीं बदलेंगे, बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी उत्तर प्रदेश में है वो और हमें एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा है। चरण धूल पर उन्होंने कहा कि चरण छूने की पद्धति बाबा के यहाँ नहीं है, दान नहीं लेते, रसीद नहीं है, सोने चांदी नहीं चढ़ाया जाता, वो अपने बीआरएस के पैसों पेंशन से ही गुजारा चलाते हैं। उन्होंने दावा किया कि नारायण साकार हरि का देश में कहीं कोई आश्रम ही नहीं है। हादसे में मृतकों के लिए शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। सेवादारों ने अनुयायियों को धक्के नहीं मारे, ऐसा उनका कहना है और कहा कि वो कोई असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ऐसा किया, इसकी जांच होनी चाहिए। साकार हरि अपने वाहन से अलग रास्ते से मंच के पास आते हैं और प्रवचन देकर चले जाते हैं। भीड़ अधिक होने पर वो बोले कि चुनाव आचार संहिता की अवधि हुई, हिंदू को हिंसक कहा गया, हिंदू को HIV डेंगू मलेरिया कहा गया, इस पर सनातनी अपने धर्मगुरु के पास जाएगी, इसलिए अधिक भीड़ हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमें यूपी सरकार, योगी जी, गृह मंत्री और मीडिया पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच की जाएगी। जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने जरूर आएंगे और पुलिस का पूरी तरीके से बाबा सहयोग करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है और वकील ने। तब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को SIT को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और SIT को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। उनका ही मैसेज है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे, इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में है और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपश विधिहात है, और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर रखिए चाहिए, जो घट अब लोग आ जाएंगे पता चल जाएगा। और तो कुछ इस तरीके से एपी सिंह ने सामने आकर के बाबा के बयान को बोला है और कहा है कि वो कहीं भागेंगे नहीं और जरूरत पड़ने पर वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर पुलिस का सहयोग किया जा रहा है तो बाबा आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और बाबा कहाँ हैं, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तमाम सवालों से जुड़े इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। बीजेपी से मैं स्वागत करना चाहूंगी विकास पांडे जी का। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र तिवारी जी। सपा से अश्विनी जी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं सुनील त्रिपाठी जी। आप चारों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। सवाल लेते हैं विकास जी आपसे कि अगर बाबा सपोर्ट कर रहे हैं, बाबा को भागने की जरूरत नहीं है, भेष बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे कि उनके अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा है, तो आखिर बाबा है कहां? बाबा सामने आकर ये सारे बयान खुद अपने मुंह से क्यों नहीं देते हैं विकास जी? विकास जी माफ करिएगा लेकिन आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। जी बिल्कुल बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है। हम सब परसों डिबेट ही कर रहे थे जब ये न्यूज फ्लैश हुई थी, हमें याद है जी। और ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होगी, इतने बड़े पैमाने पर जन हानि होगी। बहुत दुखद घटना है, इस पर जितना खेद और रोष प्रकट किया जाए वो कम है। निश्चित तौर पर एक बड़ी आपदा है जो इस समय हमें देखने को मिली। ईश्वर मृत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। बाबा को निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए। देखिए ये विषय मूल रूप से आप देखेंगे सत्संग चल रहा था वहां पर, और सत्संग चलने के बाद जब बाबा ने अपना सत्संग समाप्त किया उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें इस तरीके की जो कांड हुआ उसमें इस तरीके की वृत्ति हुई कि जिससे कि वहां पर
एक उहापो की स्थिति बनी, जिसमें जाकर के कई लोग घायल हुए और कई लोग उसमें काल के ग्रास में अनायासी समा गए। निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और बाबा जी को सामने आना चाहिए और जनता को भी फेस करना चाहिए और अपने अनुयायियों को भी फेस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे तो वो सारे के सारे लगभग बाबा जी के अनुयायी ही थे, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति तो हो नहीं सकता। या तो बाबा जी की वॉलंटियर फोर्स के लोग होंगे जो उनकी अपनी इंटरनल व्यवस्था को देखते हैं वो लोग होंगे, या उनके अनुयायी होंगे, यानी उनसे जुड़े हुए लोग उस पंडाल के अंदर थे। तो बाबा को आना चाहिए और आकर के बाबा को इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। वकील के माध्यम से आए और अभी कल हमने देखा कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन निश्चित तौर पर फिर वही बात निकल करके आ रही है कि बाबा को सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर बाबा के नाम पर भीड़ वहां जुटी। बाबा जी वहां पर प्रवचन कर रहे थे अपना, उस प्रवचन में उनके अनुयायी उनके चाहने वाले वहां पर इकट्ठे हुए और बड़े पैमाने पर इकट्ठे हुए। तो ये बाबा जी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आए और आकर के यहाँ लोगों को संतुष्ट करें, लोगों को बताएं कि वास्तविक स्थिति है क्या। जी विकास जी, ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देवेंद्र जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि अगर बाबा इतना ही शोक व्यक्त कर रहे हैं, उनको इतना ही बुरा लग रहा है अपने श्रद्धालुओं के लिए, तो पहला सवाल तो यहाँ ये उठता है कि जब उनका काफिला जा रहा था, जब ये हो रहा था, जब भीड़ गिर रही थी, लोग मर रहे थे, तब उनका काफिला आखिर क्यों नहीं रुका? और दूसरी बात, काफिला रुका ठीक है, नहीं रुका वो चले गए, क्योंकि ऐसे में उन्होंने अपने बचाव में कहा है कि वो निकल चुके थे, वो वहां थे ही नहीं, और अब वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि जानकारी भी मिली थी कि मैनपुरी के किसी आश्रम में वो छुपे हुए अंडरग्राउंड हुए हैं और पुलिस ने उनका घेराव किया था, लेकिन पुलिस की नजरों से बचते बचाते अचानक बाबा कहां गायब हो गए? देवेंद्र जी, देखिए मैडम, बात ऐसी, देवेंद्र जी आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। जी मैडम, एक मैडम देखिए, पूरी तरीके से बाबाओं का शिकार हो चुका है, ये आपको जानना होगा। पहले आपको तो शिकार के साथ साथ जो है ये सरकार जो है काम नहीं करना चाहती है, ये आप सब जानते हैं काम किस तरह से करती है सरकार। ये सरकार के लोगों के ऊपर कोई भी किसी तरह का मरहम और दबाव उन्होंने काम ऐसा नहीं किया हुआ है कि कैसे उस पर कार्रवाई हो सके। देश शुरू से बाबाओं के लिए ऐसा नियम बनाया है कि उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर है, वो निकल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकल सकते हैं। बात रहे कि इतना बड़ा फेल्योर हो कैसे सकता है, आपने देखा होगा इसी तरह का मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में बाबा जो रुद्राक्ष बांट रहे थे वहां तो हुआ भगदड़ मचा, कोई कार्रवाई कब तक नहीं आया कि कौन जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में आप जाए, वैष्णो माता में जाए, वहां पे भी आप देखेंगे यही मुद्दा है कि वहां पर भी आज तक कोई कार्रवाई का कोई रिपोर्ट नहीं आया। समिति बना, समिति बनते बनते आज तक कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। ये रही बाबा की बात, ये भी ऐसे बाबा है, बाबा ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हम बहुत बड़े बाबा हैं, और कहा भी कौन रहा है, प्रदेश को मुख्यमंत्री कर रहे हैं बस। एक तरफ भाजपा की आईटी सेल मीडिया बोल रही है ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है, ऐसे ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक ये बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, योगी सरकार से पहला सवाल हमारा ये है। दूसरी बात रही, आप जो ऐसे बाबा जो आयोजक करते हैं बाबाओं के ऊपर, इस प्रकरण में FIR क्यों दर्ज किया गया? FIR न दर्ज करने की सूरत हाल में आप अपना वोट बैंक बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के होने से पहले आप भी एक बाबा थे, और उस बाबा के साथ जो है आप भी जो है आपका भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आपको अपना वोट बैंक दिखता है उस लोगों में। जितने भी लोग मरे हैं वो गरीब जनता जो भी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, सबको सरकार को जो है 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया उनको मुआवजा देना चाहिए, और साथ ही साथ उनपे उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो आयोजक थे। आयोजक के साथ साथ जितने बाबा हैं, जो भी बाबा उसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करना चाहिए। ये FIR न दर्ज करते हुए दिखता है कि साथ साथ ये योगी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जितने विगत नेताजन हैं, ये सारे के सारे उस में सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की विफलता है। बात करें आप लॉ एंड ऑर्डर की, 80,000 लोगों का अनुमति लिया जाता है, 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं वहां पर, और आप कार्रवाई करते हैं सेवादारों के ऊपर, आयोजक मंडल के ऊपर कार्रवाई करते हैं, बड़े लोगों पे कार्रवाई आप कभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका वोट बैंक चला जाएगा। आप क्योंकि वो फंडिंग भी आपको ही करते हैं, आपके साथ उनका उठना बैठना होता है, तो फ्रंट डोर पर आप जो है उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो उनको आप बैक डोर से सपोर्ट करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। बाबाओं के खिलाफ आप शुरू से कार्रवाई किए होते तो देश में इस तरह के ढोंगी बाबा नहीं बने होते।
हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये बाबाओं को इतनी जन्मा कैसे रही है। आज गोदी मीडिया जो भी एक लाख फेंक रहा है, आज तक ऐसी मीडिया है कहाँ थी? हाथरस जैसी बड़े जगहों पे अगर इस तरह का कांड होता है तो आज तक सरकार की कलायु कहाँ थी? आज तक ये रिपोर्टर कहाँ थे? आज तक इनसे सवाल लेके आ गया, इतने बड़े बड़े आश्रम है और आज उन्होंने अपना वकील तक हायर कर लिया, सरकार को भनक नहीं लग पाई, आप FIR नहीं दर्ज कराए, आपको बाबा नहीं मिल पा रहे हैं और बोल रहे हैं कि 56 इनका छाती है और अपराधी गायब हो गए हैं, बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं कर पाएंगे क्या? बाबा जी का हाथ कांप रहा है क्योंकि वो खुद एक बाबा है, वो नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना क्योंकि भक्तों की आस्था से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नहीं व्यक्ति जो करता हो। चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, आप बनारस देख लीजिए, चाहे चित्रकूट देखिए, तमाम जगह पे आपने घोटाला किया हुआ है आस्था के नाम पे और इसी तरह आस्था के नाम पे आप जो है लोगों को और बरगला रहे हैं आप। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ अश्विनी जी भी हैं, अश्विनी जी की मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है, किसी कारणवश वो हमसे अभी इस समय जुड़ नहीं पा रहे हैं। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, हमारी बात भी हुई थी कल मुद्दे की चर्चा में, हम इस पर ही बात कर रहे थे, लेकिन जैसा इन्होंने वोट बैंक की बात कही, फंडिंग की बात कही और फिर योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के भी इन्होंने निशाना साधा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर इतनी देरी क्यों की जा रही है, बाबा कहाँ है, अब तक इसका पता क्यों नहीं, क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सुनील जी देखिए रत्ना जी, अगर कोई मध्यम वर्ग का छोटे वर्ग का नेता होता, अफसर होता, जनता होती तो अब तक एक्शन हो गया होता। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, जो बाबाओं का मकर जाल है उसमें कई राजनीतिक, मैंने कल भी कहा था, ब्यूरोक्रेट्स लेकर के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस नेता कह रहे हैं बाबाओं के खिलाफ एक्शन, अपराध करता है तभी उसको दंड दिया जाता है और अगर कोई अपराध नहीं करता है, चाहे वो बाबा हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, किस आधार पे आप उसको दंडित करेंगे? रही जांच की बात, तो ये कौन सा फार्मूला सरकार अपनाए जिस फार्मूले कहे तो जांच करे कि आप बाबा असली है कि नकली है। इस घटना की मैं बेहद निंदा करता हूँ, मुझे व्यक्तिगत बहुत कष्ट है ऐसी घटनाएं न हो, लेकिन आपको याद होगा कि प्रयागराज में कुंभ में भी घटना हुई थी, 1500 लाते बीच गई, इन घटनाओं के पीछे साजिश से भी मैं इनकार नहीं करता हूँ। साजिशें ऐसी है कि भीड़ में कोई बात आप कह दीजिए, ऐसी जनता से लग गया कि ये घटना होने वाली है, लोग भाग पड़ते हैं। इससे इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं साजिश तो नहीं कोई है, कि कोई असामयिक तत्व उसमें बैठे हुए हो और कोई ऐसी बात कह दी जनता विचलित हो गई हो और हलचल मच गई हो। जब तक इसकी जांच रिपोर्ट SIT या आने एजेंसियां हमारी नहीं देंगी, तो मैं जांच रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है, इस पे किसी दल को राजनीति नहीं करना चाहिए। जितनी ज्यादा ज्यादा जांच का सहयोग हो वहां के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम आपको वहां थे नहीं, मीडिया कर्मी थे, और जो हमारे मित्र मोदी मीडिया कह रहे हैं कि आपकी सरकार अगर आ जाएगी तो आप मीडिया खत्म कर देंगे, इस बात को सहता हूं कि लोग मोदी मीडिया, अरे पत्रकार सच को सच ही कहेगा कि घटना हुई है तो कोई ये नहीं कहेगा हमें लगा था, घटना हम कहेंगे, उसमें जो दोषी होगा उसको भी हम लोग कहेंगे। आप लोग मोदी मीडिया कह के मीडिया का अपमान मत कराइए, आपका एक एक बयान देश में सुना जाता है। बताता हूँ पत्रकार महोदय, आपको बताता हूँ, अवगत कराता हूँ, क्या बताए मान्यवर, इसलिए उत्तर प्रदेश अगले जो एक बार देवेंद्र जी जवाब देने का मौका दूंगी, एक मिनट सुनील जी को पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जड़ गाड़ दिया आपकी, ने उत्तर प्रदेश के कितने विधायक थे, कितने सांसद थे आपके मानवर, ये आप बेहतरीन जानते हैं, इसलिए ऐसी बात मत कहिए मोदी मीडिया, ये मीडिया किसी की नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। और इस घटना में आप कह रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से कोई सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि कई ऐसी घटनाओं में देखा कि पुलिस प्रशासन भी चुप रहा, मुख्यमंत्री भी चुप रहे, उसके बाद ऐसा उसका रिजल्ट आया कि पब्लिक ने भी देखा, तो बाबा भाग कहीं जा नहीं पाएंगे और वो बहुत गलती करते जा रहे हैं कि आप अपना वकील तो नियुक्त कर दिए रत्ना जी, या आप आइए पब्लिक बीच में, कोई आपने स्वयं मर्डर नहीं किया है कि आप हत्यारे हैं, आपकी भीड़ में जितना जिम्मेदार आप है उतना प्रशासन भी जिम्मेदार है, अनुमति इतने लोग कैसे उसने दिया, और बाबा जितने छिप रहे हैं वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है, कानून का साथ दीजिए, कानून साथ खड़े होइए। मैं मानता हूं कि आपकी लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से हमारे लोग जान गई, लेकिन आपने स्वयं हत्या नहीं की है, आपके
चलते ऐसा घटना हुई, ऐसी घटना हुई, तो आपको जनता बीच में आए, वो जनता जो आपके उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए गई थी, वही जनता आपकी है। और जैसे रत्ना जी आप बता रही बाबा का बयान की बाबा कोई संपत्ति नहीं है, तो ये आश्रम कहाँ के, और इन आश्रमों में फंडिंग कहाँ से हो रही है? मैं तो ये इस पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक वर्ग विशेष को जो गरीब है उसको कहीं कहीं क्रिश्चियन भी बनाया जा रहा है, ईसाई बनाने के भी काम हमारे देश प्रदेश में बहुत जोरों चल रहा है, गलियों में चल रहा है। तो मेरे पास साक्ष्य नहीं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाह रहा हूं जी जल्दी कि इन सब चीजों को ठीक है सुनील जी, ठीक है देवेंद्र जी को जवाब देना चाह रहे थे इस पर जी देवेंद्र जी। बताता हूँ, हमने गोदी मीडिया इसलिए कहा कि आज जो मीडिया इतनी सरकार को अवगत करा रही है घटना होने के बावजूद जो बाबाओं के खिलाफ लिख रही है, अगर ये सब गलत जानकारी अगर बाबा ये शुरू से करते थे तो मीडिया का काम है बताना, क्योंकि आप जो है जो रिपोर्टर रह गए हैं, रिपोर्टर नहीं रह गए, मीडिया को अपनी अपनी विश्वसनीयता पे आप मीडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है, हम अपना वक्त क्यों जाया करते हैं? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, आपको आपको सवाल करना है यहाँ पर, आपका नहीं नहीं यहाँ सत्ता पक्ष भी बैठा है, विपक्ष भी बैठा है, आप उनसे सवाल जवाब करिए। बात सुनिए तो मैडम, जवाब सुनिए, ये आप ये इस पर आप मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही बैठे हैं, देवेंद्र जी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, थोड़ा सा मुद्दे पे रहकर बात करें, वो बात के लिए हम आपको टाइम देंगे, वो वक्त देंगे, आप बताइए बाबा को आना चाहिए सामने आने। और पहली बात बताता हूँ देश में मीडिया ये मीडिया अगर सही जानकारी, इतने लोग आज इन बाबाओं के अधीन नहीं रहते और आज इतने लोग की मौत नहीं होती, ये अगर पहले ये काम अगर जानकारी अगर जो है सरकार ने बिठाई होती, मीडिया अगर से अपनी रिपोर्टिंग कवरेज किया होता, आज जो मीडिया दिखा रही है कि गलत गलत चीजें जो बाबा ने किया है, यही अवगत आप मुद्दे को कहां लेकर जा रहे हैं, क्यों आप क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं, क्यों मुद्दे उठाया कर रहे हैं? देवेंद्र जी ऐसी गैदरिंग होती है, ऐसे सत्संग होते हैं, हादसों के बारे में हम कवर करते हैं, जहां हादसे होते हैं हम वहां जाते हैं, वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं, हमें पहले से पता नहीं होता है। देवेंद्र जी क्या बात कर रहे हैं, देवेंद्र जी मैडम जानकारी आपकी सही है, एक मिनट देवेंद्र जी, यहाँ पे प्रशासन को लेके, एक मिनट देवेंद्र जी एक मिनट मुद्दों पे रह के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकास जी कुछ कहना चाहते हैं जी? विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक ने भी, पत्रकार साथी ने भी जो है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही और वही बात उनके वकील ने भी कही है, जो सूरज पाल सिंह जाटव के वकील हैं, उन्होंने भी वही बात कही है कि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश का एंगल भी है, इसमें साजिश की तरफ उन्होंने इशारा किया है। रत्ना जी ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं और इसका उल्लेख भी आपको देखने को मिलेगा कि आप आज की डेट में ये देखिए कि उनकी फोटो, उनकी महिमा बंदन करने वाला कौन नेता था जिसने अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी फोटो डाली, और आज वो नेता इस विपक्ष में है। ये बड़ी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बड़ा एक एंगल निकल करके आ रहा है। अब वही चीज है कि आप कहने के लिए डर जाएंगे, कहने के लिए डर जाएंगे और डर करके दुनिया भर का बीच में आएंगे। इन्हें सबसे बड़ी चीज ये है रत्ना जी, आज के इस विपक्ष को, इनकी गठबंधन को मीडिया मीनिया हो गया है, जो मीडिया मीनिया से ग्रसित है पूरा विपक्ष, हर बार किसी न किसी कारण से विपक्ष मीडिया को लेकर के सामने आ जाता है, कोई कारण हो मीडिया को। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जरा पूछ लीजिए हमारे सम्मानित साथी से, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इन्हीं के इंडी गठबंधन में दो मार्च 2014 से जून 2016 तक जवाहरबाग में भी एक बाबा राम वृक्ष यादव, मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूँ, राम वृक्ष यादव 2 साल तक जवाहरबाग में कब्जा जमा के बैठा रहा, कब्जा जमा के बैठा रहा। आज तो माननीय योगी जी की सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, इस पर न्यायिक जांच आयोग बना दिया, इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में रिटायर्ड एक सीनियर आईएएस और सीनियर आईपीएस उसमें है, उसमें उनके न्यायिक आयोग इसकी जांच करेगा। और जवाहरबाग का कांड आप
आपको मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ रत्ना जी, क्योंकि उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है 100-100 चूहे खा करके आज प्रवचन देने निकले हैं ये सारे लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर नंगा नाच करवा दिया अपने शासन काल में। तब तो गैदरिंग कहीं नहीं थी, जब दिल्ली में 5,000 सिख मरवा दिए थे इन्होंने, तब कहां गैदरिंग थी? नहीं गैदरिंग थी, खुद कांग्रेस प्रायोजित दंगा करवा दिया, दंगा करवा दिया। और आज जब एक ऐसे सामाजिक समागम में, एक धार्मिक समागम में कोई घटना होती है तो आप दूसरी चीज, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं रत्ना जी, इनके किसी भी नेता का, मुझे लगता है जितना साहस अभी देवेंद्र जी ने दिखाया, अगर इंडी गठबंधन के किसी नेता ने इतना साहस दिखाया होता, अपने फूटे मुंह से एक बयान दिखा दीजिए जिसमें इनके किसी बड़े नेता ने ये कहा हो कि बाबा को गिरफ्तार करिए, बाबा के खिलाफ कार्रवाई करिए, किसी इनके नेता ने कहा हो। धोखे से किसी पत्रकार ने कल श्रीमान अखिलेश यादव जी से पूछ लिया कि बताइए बाबा जी के ऊपर आपका क्या कहना है, तो चिलमिला गए। वो वीडियो पूरी मीडिया में उपलब्ध है, आप उसे देख सकती हैं रत्ना जी। चिलमिला गए श्रीमान अखिलेश यादव जी जैसे ही बाबा जी का नाम आया, सरकार को पानी पी पी करके ठोस रहे हैं, लेकिन बाबा जी के ऊपर पूरा विपक्ष मौन है। मैं बीच में नहीं बोला देवेंद्र जी, आपकी बात जब आए तब आप करिएगा। तो पूरा विपक्ष बाबा जी के ऊपर मौन है। किसी नेता का मुझे इनका वीडियो दिखवा दीजिएगा, मेरा ये आग्रह है आपसे। दो तीन चीजें हैं रत्ना जी, आज सरकार इतनी जागरूक है कि उसने तत्काल, वहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री स्वयं गए, और उसी दिन उत्तर प्रदेश के 3 सीनियर मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव वहां पर तत्काल जाते हैं। आप दूसरी तरफ देखिए 2016 में जवाहरबाग कांड होता है जिसमें एसपी मारा जाता है, आप ताज्जुब समझिए रत्ना जी, एसपी और थाना अध्यक्ष समेत 29 लोग मारे जाते हैं, गोलियों से मारे जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस के हाथ बांध के रखती है, हाथ बांध के रखती है कि आप कार्रवाई मत करिए। आज वो सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, शायद उसी का परिणाम है कि हमने तुरंत एक्शन लिया, मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया, केंद्र सरकार भी मुआवजा देगी और राज्य सरकार भी अपना मुआवजा देगी, घायलों को भी तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पर विजिट की और घायलों के हाल चाल जाने। अखिलेश यादव जी तो देखने तक नहीं गए, उस डीएसपी की पत्नी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ गया था जो जवाहरबाग में मारा गया था, आपको याद होना चाहिए रत्ना जी, और आज यहाँ आकर के ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे इनसे बड़ा संत नहीं कोई है। ठीक है विकास जी, देवेंद्र जी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विकास जी एक सवाल है, देवेंद्र जी एक मिनट, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, आपने जो बात कही वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल है, ये जो हादसा हुआ इसको लेकर के कई सवाल हैं, और विकास जी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले तो जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी की बात की गई थी, ट्रॉमा सेंटर्स में जो कंडीशंस देखने को मिली थी, बिजली नहीं था, जनरेटर भी तैयार नहीं था, और पूरा कमरा अंधेरे से ही लिप्त था, और ऊपर से प्रशासन पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग थी जहां पर सिर्फ एक SHO था, 4 इंस्पेक्टर थे, 6 SI थे, 2 महिला दरोगा, 30 हेड कांस्टेबल थे, और ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि देर सेक्शन PAC 15 लोग की, यानी सिर्फ इतने लोगों की ही तैनाती की गई थी, और यहाँ पर थाना प्रभारी 1 लाख भीड़ जुटाने की जानकारी दे रहे हैं, तो ये सवाल है कि अफसरों को क्या केवल इतनी ही फोर्स लगानी चाहिए थी, जब इतनी बड़ी गैदरिंग थी तो क्या इतनी ही फोर्स काफी थी, क्या मतलब उच्च अधिकारी ऐसे मतलब बचा सकते थे इतनी बड़ी, क्योंकि इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि सवाल है, क्योंकि 2 लाख की भीड़ जुटी लेकिन अफसरों ने सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए, ये सवाल उठ रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ हुई थी लेकिन खाली 70 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, एक एम्बुलेंस थी और एक दमकल खाली थी, दमकल की गाड़ियां एक ही थी। जी रत्ना जी, जी जितनी व्यवहारिकता से आपने ये विश्लेषण किया, थोड़ा और डीप जाइए। एक सिस्टम होता है सरकार को चलाने का और प्रशासन का, एक नैतिक एक सिस्टम है, हमारे पास परमिशन लेने आए, हमने उस परमिशन के अकॉर्डिंग, आपको मालूम होना चाहिए जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आयोजक होता है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। कल को आप ये कह देते कि भाई उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पंडाल में रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये भी प्रशासन को करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है प्रशासन का, केवल 80,000 लोगों की लिखित परत में उन्होंने परमिशन दी, जिसके हिसाब से जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो केवल ट्रैफिक को मेंटेन करने की होती है, जो बाहर रोड है उन पे ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के उन्हें जो भी उन्हें वहां पर जरूरत होती है उसके हिसाब से वहां पर। तो क्या 4 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती काफी थी? आपने यहाँ पे बात की तो हाईवे के किनारे जो आपने ही बताया अभी 3 PAC 17 पुलिस वाले थे,
लेकिन आयोजन किया गया था, ट्रैफिक पुलिस कर्मी की तैनाती की गई थी, और पहली बात तो वहाँ पर चिकित्सक भी मौजूद नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलती कहाँ थी क्या नहीं थी, आयोजकों की भी गलती थी, तो जिसमें से सारे सबके ऊपर एक्शन लिए जा रहे विकास जी। मैं यहाँ ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी को पता नहीं परमिशन कैसे दे दी गई। नहीं देखिए, फिर वही बात आ गई घूम फिर के। आप बात समझिए, आप इसको कहीं भी, आप इस बात से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रशासन को जानकारी होने के बाद ऐसा हुआ या प्रशासन को जानकारी नहीं थी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर उन्हें भी इस जिम्मेदारी में सहभागी होना ही पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम जवाहरबाग कांड की तरह मूक दर्शक बने होकर के नहीं देखने वाले, और जबकि ये कांड तो प्रायोजित नहीं, जवाहरबाग का कांड तो संरक्षित था, सरकार द्वारा संरक्षित था जवाहरबाग का कांड, वहां तो पुलिस वाले केवल सरकार ने अपनी देखरेख में मरवा दिए। तो ये तो विशेषकर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं आपको कि यही शायद जागरूकता है हमारी सरकार की, कि जब जवाहरबाग कांड होता है तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक सांत्वना देने तक डीएसपी के घर नहीं जाते हैं, और डीएसपी की पत्नी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घायलों का हाल चाल लेते हैं, तत्काल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग करी, वहीं पर ब्रीफिंग करी, हाथरस में उन्होंने इस ब्रीफिंग को दिया, स्पॉट पर उन्होंने ब्रीफिंग करी और पत्रकारों को एक एक चीज से अवगत कराया। ठीक है विकास जी, देवेंद्र जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है देवेंद्र जी, अपना मैडम सुनिएगा, अभी अभी बता रहे थे कि आयोजक की बात कर रहे थे, 70-80 हजार की परमिशन में आपने सिर्फ एक एसएचओ भेजा हुआ है। जब आप दो मिनट मेरे सवालों के जवाब ले लीजिए, अपनी अखिलेश यादव क्यों रहे, जरा बता दो मेरे भैया बता दो कि आपके तो प्रधानमंत्री 5,000 को मरवाने के बाद कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी हिलती है, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के कह रहे थे 5,000 को मरवाने के बाद। ये तरीका था इस देश के अंदर सरकार चलाने का, सरकारें प्रायोजित करती थी, दंगा हो चाहे जवाहरलाल नेहरू कांड हो, यहाँ इस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सरकारें प्रायोजित करती थी, और वही नीति आपको बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि वही इसमें देखने को मिल रहा है। देवेंद्र भाई एक शब्द नहीं है आपके पास, आप मैडम या तो यही बात कर ले फिर हम बात करते हैं। सैफई महोत्सव नहीं संभाल पाए श्रीमान अखिलेश यादव, 2014 सैफई महोत्सव में लाठीचार्ज होता है, दर्जनों लोग चुटैल होते हैं। विकास जी, देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, पहले उनका जवाब सुनिए। मैडम हमको ना बुला कर जवाब दे रहे हैं, देवेंद्र जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, विकास जी ऐसे नहीं होता है। देवेंद्र जी आप अपना पक्ष रखिए, देवेंद्र जी आप अपना पक्ष रखिए, विकास जी विकास जी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप किसी के भी बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज। आयोजक आयोजक 80,000 लोगों का किया गया है जिसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर जाता है, ये सरकार की दिखाती लापरवाही का नतीजा है। ये बात कर रहे थे कि पूरा एनडी गठबंधन, जो इन लोगों का एनडी गठबंधन है यही आसाराम है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग आकर के बाबा का पैर छूते थे, बाबा क्या निकला, बलात्कार निकला, ऐसे ऐसे कई लोग तलवे चाटा करते हैं। दूसरी बात सुनिएगा मैडम, राम रहीम जैसे लोगों का गा करके बाबाओं जो है प्रचार करते थे, यही राम रहीम जैसे बाबा बलात्कारी बाबा है, हनीप्रीत जैसे लोगों को कितने लोगों को फंसाया था, इन्हीं की सरकार में कितने लोगों को रोड पे सरेआम गोलियां खेली थी, राहुल गांधी आशीर्वाद लेने गए थे राम रहीम पे, राहुल गांधी आशीर्वाद लेने गए थे राम रहीम पे, आपके चन्नी उनसे शरणागत थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, उन्हें पैरों दिलाने के लिए पैरवी करते थे कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। झूठ मत बोलिए भाई, झूठ मत बोलिए, मेरा आग्रह रखता है कि झूठ ना बोले। ठीक है विकास जी, पहले उनका पक्ष तो सुन लीजिए, आप पक्ष तो सुन लीजिए उनका।
देवेंद्र जी, राम रहीम जैसे लोगों को बड़ा चन्नी 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 उन्हें पैरोल दिलाने जाते थे, चन्नी उनके पैरोल की पैरवी करते थे। जब आप राम रहीम का नाम लेंगे तो चन्नी और राहुल गांधी उनके शरणागत थे, दोनों नेता आपके उनके शरणागत थे। ठीक है, हमारे साथ अश्विनी जी भी जुड़ चुके हैं सपा से। विकास जी, क्या करते हैं आप जब बोलते हैं तो उस बीच में कोई नहीं बोलता है। मैं तब से आपसे कह रही हूँ कि बीच में मत बोलिए, आप उनका पक्ष सुनिए। विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी मैं बिल्कुल बोल रही थी और आपको हमारी आवाज पूरी आ रही थी। ठीक है विकास जी, तो फिर आप इस घटना के बारे में जो कह रहे थे आपको कंटिन्यू करिए, आप ही बोलिए जी। देखिए रत्ना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपसे कि निश्चित तौर पर घटना निंदनीय है। आप इसे राजनीतिक रंग देने का जो इंडी गठबंधन प्रयास कर रहा है, आप इसको राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया देवेंद्र तिवारी जी ने कि इनके किसी इंडी गठबंधन के नेता ने बाबा को लेकर के कोई एक शब्द कहा, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उनके ऊपर कहा, तो मुझे बता दीजिए। आज यहां आकर के डिबेट में बैठ करके देवेंद्र जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर इनके किसी नेता ने कहा हो बाबा को लेकर के, एक शब्द बोला हो, क्यों नहीं बोला भाई बाबा को लेकर के? क्या जुगलबंदी है आपकी बाबा से? मतलब वहां जो कांड हुआ उसके लिए 100% सरकार जिम्मेदार है, ना आयोजक जिम्मेदार है, ना कोई जिम्मेदार है, केवल सरकार जिम्मेदार है। ये दोहरा रवैया क्यों? क्योंकि इनकी सांठगांठ है, इनकी जो आंतरिक जुगलबंदी है वो निकल करके सामने आई। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से कि इस घटना के पीछे इंडी गठबंधन का हाथ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने जिस तरीके से बाबा को डिफेंड करने के लिए कल नीचे गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव ने बाबा के ऊपर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से झल्लाहट के साथ माइक को किनारे कर दिया। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के नेता भी जिम्मेदार हैं, उनका भी हाथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जी विकास जी, लेकिन अब जिस तरीके के इसमें सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तैनाती की बात की जा रही है, मैं फिर कह रही हूँ कि जब इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, विकास जी शांति से पहले सुनिएगा, तैनाती की गई और दूसरी बात वहाँ डॉक्टर्स नहीं मौजूद थे। ये भी देखा गया कि डेढ़ घंटे तक वहाँ कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं पहुँचा था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और बाबा के जब धूल चरण के लिए जब लोग जा रहे थे तो वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि सत्संग समाप्त हो चुका था विकास जी, समापन के बाद किसी भी तरीके की व्यवस्था ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है विकास जी? बिल्कुल गलत नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बिल्कुल पूछिए, लेकिन सवाल राजनीतिक लाभ के नहीं होने चाहिए, सवाल निष्पक्ष होने चाहिए। मैं फिर कहता हूं आपको कि सरकार का एक सिस्टम है, एक काम करने का। आप भी एक जिम्मेदार चैनल की एंकर है, पत्रकार है, बहुत पुराने समय से आप पत्रकारिता से जुड़ी है, आपका एक अपना काम होगा, एडिटर का अपना काम होगा, जो बैकडोर आपकी टीम है, ग्राउंड रिपोर्टर है, उनका अपना काम होगा। ठीक वैसे ही शासन प्रशासन का अपना काम होता है, तो शासन प्रशासन का काम होता है रोड क्लियर कराना, जो रोड होता है उस पर जाम ना लगे, उस पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना खराब हो, उसको लेकर के उस चीज का ध्यान रखना। जो आंतरिक व्यवस्था है, जो पंडाल के अंदर की उनकी व्यवस्था है, जो उनके आयोजन के अंदर की व्यवस्था है, वो उनके आयोजक मंडल की जिम्मेदारी होती है। और जिसमें आपको शायद पता भी हो कि उनकी कई तरीके की खुद की फोर्सेस थी, जिन्हें उन्होंने किसी को गरुण फोर्स का नाम दे रखा था, कोई किसी नाम से थी, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आयोजन को सही तरीके से चले उनका आयोजन, इसका ध्यान रखती थी, महिला ब्रिगेड तक थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रही हैं कि उनके जब वो पैदल चले वहां पर, जब वो गए तो उसमें प्रशासन ने क्या किया, तो वो प्रशासन का मुझे लगता नहीं है कि उसमें प्रशासन का कोई रोल था, उसमें वहां प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहां विशुद्ध रूप से जो बाबा के अपने वॉलंटियर्स हैं, जो बाबा के अपने आयोजक मंडल हैं, उनको उस पर ध्यान देना था, उनको उस व्यवस्था को बना के रखना था। प्रशासन की व्यवस्था उसके बाद की होती है कि जो पंडाल के बाहर जब आउटर रोड होता है, जैसे नेशनल हाईवे के बाहर था रखना चाहिए, तो नेशनल हाईवे के ऊपर कहीं ट्रैफिक जाम ना हो जाए, जो आने वाला यातायात है उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो, या आयोजन की वजह से उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। अभी आप खुद ही कह रही थी कि एक एम्बुलेंस वहां पर थी, कोई इस चीज का कोई पूर्वानुमान नहीं होता है रखना कि वहां पर सारी मैनफोर्स लगा दी जाए, सारे लोग लगा दिए जाए, इस चीज का कोई पूर्वानुमान नहीं था।
कि वहां पर इस तरीके की कोई घटना घटित हो सकती है। ये विस्तृत रूप से यकायक हुआ है। ठीक है विकास जी, इसी मुद्दे को हम लेकर के आगे भी प्रोसीड करेंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। वही इस घटना के मुख्य आयोजक मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। गिरफ्तार लोगों में उपेंद्र, मंजू यादव, मुकेश कुमार शामिल है। घटना पर अलीगढ़ के IG शलभ माथुर ने कहा कि जोन स्तर पर सभी जिलों में SOG की टीमों को आरोपियों के चिन्हीकरण और गिरफ्तारी के लिए लाया गया है। साथ ही मौके से मिले साक्ष्यों को विवेचना का हिस्सा बनाया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि बाबा के चरण रज लेने से काफी कष्ट दूर होते हैं। जी हाँ, गिरफ्तार लोगों ने यह भी बताया कि सेवादार के रूप में वो काम करते हैं, समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं। विवेचना में अगर बाबा का नाम आता है तो उस बिंदु पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ भी की जाएगी। मुख्य आरोपी मधुकर पर 1,00,000 का इनाम घोषित है और जल्दी उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। IG ने कहा है कि इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या यह घटना किसी साजिश के चलते हुई है। वहीं आपको बता दें कि यह हादसा कैसे हुआ है, तो आयोजन समिति के सदस्य जो और सेवादार के रूप में जो काम करते हैं उन्होंने ये सब के बारे में बताया और कहा कि जो पकड़े गए हैं, जो पकड़े लोगों द्वारा सत्संग कमेटी में भीड़ और चंदा इकट्ठा कर सहयोग देते हैं। कार्यक्रम आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की वर्दी दी गई। बाबा के अनुयायियों में मान्यता है कि बाबा के चरण रज से बहुत सारे संकट दूर होते हैं। बाबा की चरण रज लेने के लिए भीड़ गाड़ी के पास पहुंची तो सेवादारों ने उन्हें रोका और काफिला निकल जाने के बाद भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया गया, जिससे महिलाएं और बच्चे एक दूसरे पर गिरने लगे और इस दौरान काफी मौतें हो गई हैं और काफी लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि विपक्ष दूसरा ही नरेशन दे रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरीके से सेवादारों ने ये बोला है कि पहले तो उन्हें रोका गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सेवादार ही थे जो उन पर लाठी डंडों से श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर रहे थे। और इस बीच कोई भी व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन भी नहीं था, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं था, SHO भी सिर्फ एक थे, तैनाती भी नहीं थी ज़्यादा लोगों की। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो व्यवस्था के मद्देनज़र ये सब कुछ बस ऐसे ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि निकलने का समय हो चुका था, सत्संग जो था वो ख़त्म हो गया था और इसके बाद कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो फिलहाल इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए KKD News।